ये कश्मीर द फाइल ये बिल्कुल बकवास फिल्म है। देश में घृणा नफरत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। लेकिन सर इसमें मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया मीडिया वो जो है बेचारी क्या नाम है उसका रूबिका, तो वो तो पूरा दिल दे बैठी टकले को। मैं लफ्ज ऐसा इस्तेमाल कर रहा हूँ, टकले को लगाया गले और बाप रे बाप बहुत जुलम। अरे रूबिका तुझे गुजरात नजर नहीं आया? अरे रूबिका तू कितनी पढ़ी है, हिस्ट्री नहीं पढ़ी तुझे? मैंने आसाम के कोकराझार और नल्ली का पता नहीं तुझे? हाशिमपुरा का पता नहीं जहाँ ट्रकों में भर भर के नौजवानों को इसी हिंडन नदी में लाकर गोली मार दिया गया? पत्रकारिता कर रही है, नंगा नाच कर रही है। इससे तो अच्छे वो लोग हैं जो नाच करते हैं रात में और पैसे लेते हैं। ये लोग पत्रकारिता को कलंकित करने वाले प्रमोट कर रहे हैं। सुधीर चौधरी प्रमोट कर रहा साहब, सारे चैनल के लोग लग गए। अरे बाप, ऐसे तो लोग गोधरा 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 कर रहे हैं जहां 10,000 लोग मरे। लेकिन गोधरा से पहले असम में 3 बड़े दंगे हुए। नल्ली जहां 10,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया और लाखों लोगों को उजाड़ दिया गया, कोई फिल्म नहीं बनी, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है मार्केट में। उसके बाद कोकराझार, वहां भी 1,000 लोगों को मारा गया। अब आपको याद होगा ईद की नमाज पढ़ रहे हैं ईदगाह मुरादाबाद, और ये सब समय बता देता हूँ 85 से 92 के बीच ये सारी घटना है। ये द कश्मीर फाइल भी वही उसी जमाने का है, 70 और 60 का दशक का नहीं है। ये सब 80-90 के बीच की घटना जो मैं बता रहा हूँ। तो मुरादाबाद में नमाज पढ़ रहे थे मुसलमान, नए नए कपड़े पहनकर आए थे, खुशी में आए थे। मस्जिद के अंदर गोली चलाई गई और सैकड़ों लाशें बिछ गईं और हाहाकार मच गया। उस सरकार के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी कि भारत में ऐसी भी क्रूर सरकार थी अभी है का नहीं बात कर रहा हूं मैं, जो मैंने ईद में नमाज पढ़ते हुए के ऊपर भी गोली चला सकती है। क्या ईदगाह में आतंकवादी थे, उग्रवादी थे, देशद्रोही थे? ये सवाल भी बना हुआ है। मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा कौन नहीं जानता है? 1-2 नहीं, 1,000 लोग मारे गए और सरकारी आतंकवाद के शिकार हुए। फिर मैं कह रहा हूं सरकारी आतंकवाद के शिकार हुए वो लोग, कोई फिल्म नहीं बनी। इस समय मौजूदा जो हमारे प्रधानमंत्री हैं परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कल परसों शायद संसद में कहा था कि जिनको कश्मीर की सच्चाई समझनी है वो द कश्मीर फाइल देख ले, ऐसा बयान आप लोग को भी पता है मोदी जी, एक प्रमोशन उन्होंने किया सदन के अंदर। तो आश्चर्य है, प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय हैं, परम आदरणीय हैं, और मैं कहां से हिंदी में शब्द लाऊंगा वो अभी ढूंढ रहा हूं। गुजरात में इनके मुख्यमंत्री रहते हुए और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए गुजरात में जो नंगा नाच हुआ वो दुनिया जानती है उसको, प्रधानमंत्री जी भी जानते होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बयान दिया था कि कुत्ता भी अगर गाड़ी के नीचे आ जाए, पिल्ला लफ्ज कहा था, गाड़ी के नीचे आए बड़ा अफसोस होता है। तो प्रधानमंत्री जी गोधरा में जब जिंदा मुसलमानों को जलाया गया तो आपको अफसोस क्यों नहीं हुआ? अब मैं ये कहकर कश्मीर में हुए उन आतंकवादी घटनाओं का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं उसका भी विरोध कर रहा हूं। वो भी गलत था, अति निंदनीय था, अमानवीय था, असंवैधानिक था, लेकिन जब बात हो तो बराबर की होनी चाहिए और हक और इंसाफ की होनी चाहिए। तो जब द कश्मीर फाइल बनाने वाले ये संगी टकले और नाग कोबरा, बस आप समझ रहे हैं ना, कोबरा मैं कोबरा आमी कोबरा आश्चे वही हीरो है ना इसमें मिथुन, तो वो कोबरा जो बनाया है, और एक बंदा और इसमें बड़ा अग्निहोत्री नाम कमा रहा, तमाम जगहों पर जा रहा प्रमोट करने, विवेक अग्निहोत्री, जरा सा रिकॉर्ड निकालिए इन लोगों का, आप लोग पत्रकार हैं इनका प्रोफाइल खोलिए पता चल जाएगा। ये लोग देश में आतंक मचाना चाहते हैं, देश में अलगाववाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं। ये तो सबको पता है कि मौजूदा सरकार देश में घृणा द्वेष और नफरत को बढ़ाकर और नफरत की खेती पैदा करके और वो वोट का फसल उस पर उगाना चाहती है, और उसको शायद इसमें सफलता भी मिलता हुआ दिख रहा है। सच्चाई यह है कि द कश्मीर फाइल्स जो बनाए गए एक तो टोटली फॉल्स है, गलत है, उसमें जो कुछ भी दिखाया गया वो कहीं भी वो हकीकत नहीं है। लेकिन कुछ भी कहने से पहले एक बात तो कहूँ कि घटना तो घटी थी,
कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार तो हुए थे, वो समय वो दिन इतिहास के पन्नों में है, लेकिन पहली बात और उसकी निंदा होनी चाहिए। और जो लोग भी इसके पीछे थे, मैं ये किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग भी उन कश्मीरी पंडितों को वहाँ से विस्थापित करने या मारने के पीछे जिन लोगों का भी हाथ था, उन सबों की निंदा हम करते हैं, हम इस घटना की भर्त्सना करते हैं, हमें अफसोस है। लेकिन अफसोस उस सरकार पर भी है जिसके पास सारी ताकतें मौजूद हैं, उस सरकार पर अफसोस है जो रक्षा सौदे की मुखालफत कर कर और राजीव गांधी का विरोध करके सत्ता में आई थी। और हम उस सरकार का विरोध करते हैं और उस पर अफसोस करते हैं जो सरकार 85-87 सीटों के साथ उस वक्त केंद्र में मौजूद थी, और हम उसका भी विरोध करते हैं और उसके पर भी हमको अफसोस है कि उसी पार्टी के राज्यपाल वहां जगमोहन मौजूद थे और सारा अधिकार उनके पास था, स्टेट पुलिस से लेकर पारामिलिट्री फोर्स और मिलिट्री तक का वहां उस सब की मौजूदगी थी, तो आखिर इस जेनोसाइड को रोक क्यों नहीं सके, इस नरसंहार को रोक क्यों नहीं सके। तो जितना जुर्म उन लोगों का है जो जिनको आप टेररिस्ट या फंडामेंटलिस्ट जो भी कह रहे हैं, आप जिस नाम से पुकार रहे हैं, उससे कम मुजरिम जगमोहन नहीं है जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उससे कम मुजरिम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, उससे कम मुजरिम अभी जीवित है लाल कृष्ण आडवाणी कम मुजरिम नहीं है, चूंकि ये सब लोग शासन प्रशासन और सत्ता में थे, सरकार इन्हीं के समर्थन से चल रही थी। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात, 200 कुछ लोगों के मारे जाने की उसमें खबर है और लाख प्लस के पलायन की बात है। शुरू से डर है, आज से नहीं डर है, ज्योतिबा फूले के ज़माने से लेकर इन्होंने, किसने गोबर किसने फेंका, माता सावित्रीबाई फूले पर किसने गोबर फेंका, किसने कीचड़ फेंका, इतिहास में ये जाना ज़रूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर को किसने कहा कि दरवाजे तो बहुत दूर की बात है, रोशनदान भी इनके लिए बंद कर दूंगा, किसने कहा, ये सवाल होता। तालाब आंदोलन बाबा साहब को क्यों करना पड़ा, ये विषय है, ये देश की बड़ी आबादी को इस पर मंथन करना होगा। क्या किसी मुसलमान ने बाबा साहब अम्बेडकर को पानी पीने से रोका क्या, क्या किसी मुसलमान ने माता सावित्री बाई को अपमानित किया क्या, क्या किसी मुसलमान ने आज के साहब कांशीराम पर, जो कल ही उनका जन्मदिन मनाया गया है, साहब कांशीराम जो आधुनिक युग के बहुजनों के नायक कहे जाते हैं, साहब कांशीराम के मिशन की शुरुआत में किसी ने हमले मुसलमान ने किए क्या, नहीं, क्योंकि हम मसावात के पक्षधर हैं, हम समता समानता सम्मान के पक्षधर हैं, और यही कारण है कि मनुवादी हमारा विरोध करते हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, उन्हें दलितों का अधिकार मारना है, उन्हें आदिवासियों का अधिकार मारना है, उन्हें चतुर्वर्गीय व्यवस्था को स्थापित करना है जिसमें ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय का मामला हो, इसलिए वो इस्लाम को टारगेट करते हैं। और इस तरह से फिल्म बनाकर, आप वो फिल्म का वो सीन देखा होगा, सिनेमा हॉल में बंदा भगवा पहन के जा रहा है और सिनेमा हॉल में भाषण दे रहा है, तुम नहीं जागोगे तो क्या होगा, ये आज तक कभी भारत में आपने देखा, फिल्में तो बहुत बनी, दशुद्र फिल्म इन्होंने नहीं देखा, इन्होंने आर्टिकल 15 नहीं देखा, क्या परिस्थितियाँ दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ। आज 21वीं सदी में भारत के आदिवासी को जबरन नक्सली बनने पर बाध्य किया जाता है, उनके घरों को उजारा जाता है, जलाया जाता है, उनकी ज़मीनों पर कब्जे किया जाते हैं, जल जंगल जमीन को लूट लिया इन लोगों ने, और धर्म का सहारा इस्लाम को आतंक का चेहरा बताकर इन मासूमों को भोले भाले जो हमारे SC ST के लोग हैं, इनको अपने पक्ष में लाकर हिंदू बनाम 80 बनाम 20 बताते हैं। हम 85 बनाम 15 बोल रहे हैं, वो 80 बनाम 20 इसलिए बताते हैं कि वो SC ST को अपने पक्ष में दिखाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ आप पक्ष में दो, लेकिन दो सम्मान, बताओ कि वैदिक व्यवस्था में, मनु स्मृति के व्यवस्था में है क्या इक्विलिटी, नहीं है। तो ये सारी लड़ाइयाँ हैं, शो में रो रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा तो हमने जाना ही नहीं था, इसका मतलब मक्कारी अब दिखा रहे हैं, जाना नहीं था, आपको नहीं पता था कि वहाँ कश्मीरी ब्राह्मणों का पलायन हुआ, आपने कश्मीरी ब्राह्मणों को पुनर्स्थापित करने की आवाज़ क्यों नहीं उठाई, कोई डिबेट ऐसा क्यों नहीं हुआ इतने वर्षों में,
1990 से लेकर आज 30-35 साल हो गए कश्मीरी जो है क्या कहते हैं बाहर है, होगा नहीं, क्यों नहीं होगा कि कश्मीरी ब्राह्मण पलायन तो जरूर किए, वतन तो जरूर छोड़े, मगर जन्नत से निकलकर जहन्नम में नहीं गए, जन्नत से निकलकर जन्नत में गए, दुनिया के अरबों खरबों रुपए के मैंने वो डोनेशन उनको मिल रहे हैं और तमाम कश्मीरी ब्राह्मणों को सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में नौकरियां मिली हैं, एक एक परिवार के तीन तीन चार चार, वो क्यों जाएंगे कश्मीर उस छोटी सी कुटिया में रहने, उन्हें पता है कि स्वर्ग तो अब मिला है।